दिल्ली में हम सब जानते हैं कि कोविड की जो पिछली लहर रही उसके दौरान काफ़ी केसेस बढ़े, हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की संख्या बढ़ी और ऑक्सीजन का काफ़ी संकट हुआ। ऑक्सीजन की दिल्ली में तो खैर कमी थी, आसपास के जो भी स्टेशंस थे उनकी ऑक्सीजन डाइवर्ट कर दी गई थी, तो काफ़ी कुछ क्राइसिस हुआ, बहुत सारे SOS जनरेट हुए, हॉस्पिटल्स परेशान रहे, पेशेंट्स परेशान रहे। इस बीच में कुछ मौत की खबरें भी आईं, ये भी खबरें पता चली कि कुछ हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हुई। तो इन सब मामलों को ठीक से हैंडल करते हुए दिल्ली सरकार ने ऐलान किया कि अगर किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हुई है किसी पेशेंट्स की, तो सरकार उसके परिवार को मुआवजा देगी। 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का सरकार ने ऐलान किया था। इस बारे में कोर्ट के आदेश भी हुए और कोर्ट के आदेश पर दिल्ली सरकार ने एक हेल्थ एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई, मेडिकल एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई, जो इस बात की पुष्टि करेंगे कि यस, ये डेथ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। हॉस्पिटल से सारा डेटा लेके, सारी जगहों से सारा डेटा लेके ये कमेटी, सरप्राइजिंगली बड़ा आश्चर्य और दुख हो रहा है कि केंद्र सरकार ने ये कमेटी खारिज कर दी है। दिल्ली सरकार दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई डेथ पे मुआवजा देने के लिए, उसकी जांच करने के लिए कि अगर कोई है तो ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बनाती है कि ऑक्सीजन का ऑडिट हो, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन डेथ ऑडिट हो, ऑडिट हो, लेकिन केंद्र सरकार उस कमेटी को खारिज कर देती है। हमें समझ नहीं आ रहा कि इसमें केंद्र सरकार को क्या प्रॉब्लम है। और ये कमेटी तो कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद बनाई गई थी, कोर्ट के भी निर्देश थे इस बारे में कि इस तरह की इंटरवेंशन होनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि केंद्र सरकार क्यों बार बार इस तरह के काम करती है कि कोई भी राज्य सरकार कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है, कुछ बेहतर करने की कोशिश करती है, तो केवल और केवल उसमें टांग अड़ाने का काम करती है केंद्र सरकार। पहले तो ऑक्सीजन के अरेंजमेंट नहीं कर पाए ठीक से, ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन का भट्टा बिठा दिया। अब वो दौर निकला है और एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते दिल्ली सरकार चाहती है कि अगर ऑक्सीजन की वजह से डेथ हुई है तो ऐसे में परिवार को मुआवजा भी मिलना चाहिए और उसकी तस्दीक होनी चाहिए, उसकी पुष्टि होनी चाहिए। तो इसमें भी केंद्र सरकार को प्रॉब्लम है। तो राज्यों के काम में इतनी टांग अड़ाने का शौक केंद्र सरकार को क्यों है? केंद्र सरकार राज्य सरकारों को काम करने क्यों नहीं दे रही? मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी राज्य, आज बात दिल्ली की नहीं है, पश्चिम बंगाल सरकार हो, झारखंड सरकार हो, महाराष्ट्र सरकार हो, सबके काम में टांग अड़ाने का काम कर रही है केंद्र सरकार। जब दिल्ली सरकार चाहती है कि ऑक्सीजन पे हुई डेथ की जांच होके उनके परिवारों को मुआवजा मिले तो इसमें केंद्र सरकार को क्या प्रॉब्लम है? लेकिन वो कमेटी खारिज कर दी। बहुत गैर जरूरी हस्तक्षेप कर रही है केंद्र सरकार। इस तरह के हस्तक्षेप की केंद्र सरकार की जरूरत नहीं है। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकारों के काम में इस तरह से हस्तक्षेप करना बंद करें। कोई राज्य सरकार अगर अपने राज्य के लोगों को मुआवजा देना चाहती है इस लॉस पे कि उनके परिवार के किसी व्यक्ति की मौत कोविड की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई हॉस्पिटल में, तो केंद्र सरकार को इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? केंद्र सरकार को कमेटी नहीं बनाने देगी कि नहीं, कमेटी नहीं बना के ये क्या बात हुई? तो कई बार तो लगता है कि कोई रीजन हो या बचकानी हरकतों पर उतरे हुए हैं, कोई तो कारण हो केंद्र सरकार का कि नहीं साहब ये कमेटी नहीं बन सकती, बस कमेटी नहीं बन सकती। तो मैं केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की हरकत ना करें। जनता दुखी है, जनता चाहती है कि उनकी चुनी हुई सरकार उनके लिए कुछ करे, सरकार चाहती है कि एक कमेटी इस बारे में फिल्टर करे चीजों को, स्क्रूटनाइज करे चीजों को। आपको कमेटी बनाने में प्रॉब्लम हो रही है और कमेटी दिल्ली सरकार ने बनाई है, हेल्थ एक्सपर्ट की कमेटी बनाई है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं केंद्र सरकार से कि इस तरह के हस्तक्षेप ना करें और राज्य सरकारों को काम करने दें।